बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ यमुना अली और आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल ड्रीम फूड दिस एट यू। आज हम बनाएंगे हरे मसाले की कलेजी। तो इसके लिए हमने हाफ के जी कलेजी ली है, इसको हमने बॉईल कर लिया है, पहले से हमने इसको बॉईल करके रख लिया है। और इसके लिए हमने दो बड़ी अदद प्याज ली है, इसको इस तरह से कट कर लिया है। और यह है हरा मसाला जिसमें हमने लिया है सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चें, जिसको हम ग्लैंड करेंगे, ग्लैंड करके हम फिर मसाला बनाएंगे। और ये हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये लास्ट में हम दम पर डालेंगे। और दो अदद हमने टमाटर लिए हैं। सबसे पहले हम पतीली के अंदर ऑयल गरम करेंगे, उसके बाद हम ये प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं। देख सकते हैं आप, हल्की हल्की प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। इसको अभी हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे। अब इस प्याज को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको इस तरह हम एक प्लेट में निकाल लेंगे व्यूवर्स। इसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम अदरक लहसुन डालेंगे। इस कलेजी को हम इस अदरक लहसुन में बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। अदरक लहसुन में जब हम कलेजी को अच्छे से भूनेंगे, जो इसकी हल्की सी हीट वगैरह होती है वो निकल जाती है, तो इसलिए हम इसको भूनेंगे अदरक लहसुन में कलेजी को। व्यूअर्स, अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये इसके अंदर है ये टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया, इसको हम ग्लैंड कर लेंगे। और ये जो प्याज हमने प्लेट में निकाली थी, ये भी हम इसके अंदर डाल के ग्लैंड कर लेंगे। व्यूअर्स, देख सकते हैं आप, मसाला ग्लैंड हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ग्लैंड हो गया है। अब हम इस मसाले को कलेजी के अंदर ऐड करेंगे। कलेजी अदरक लहसुन में अच्छे से भुन चुकी है, अब हम इस सारे मसाले को इस कलेजी के अंदर ऐड कर देंगे। हम पिसावा धनिया डालेंगे, लाल मसाला हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि हम ये हरे मसाले की कलेजी बना रहे हैं। अब ये मसाला अच्छे से कलेजी में पकेगा। इसके अंदर अब हम नमक ऐड करेंगे। इस सारे मसाले को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला अच्छे से कलेजी में पक चुका है, अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे लगाने से पहले हम सब इसके अंदर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे दम पर। अच्छे से हरा धनिया हम इसके अंदर डालेंगे। ये और डाल दिया हमने हरा धनिया। अब इसको हम दम पर लगा देंगे 5-10 मिनट के लिए। ये इस तरह हम दम पे लगा। सो व्यूअर्स, हमारी ग्रीन कलेजी बनकर रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।